So we have entered IBW day one finally. यहाँ पर एक आवाज मैंने बार बार आती रहेगी वो है सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में। हम लोग रात को बहुत लेट आ चुके थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे और मैंने आपको जो भी इंसिडेंट्स वो सब बताए थे उसकी वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो हम लोग ने बस रात को आके खाना वाना खा के सब सो गए और मैं उठा हूँ सुबह 8:30 बजे से, बट मेरे कोई कमी नहीं, दोस्त नहीं उठ रहे, मैं आपको बताता हूँ, अभी तक सो रहे हैं लोग। अरे बाप रे, देवेन उठ गया है। सारे ये ऑलविन ये आए ट्रेन से, देखो अभी बिल्कुल थका हुआ नहीं है फिर भी खर्राटे मार रहा है। ओह सॉरी, खर्राटे तो गुर्री मार रहा है, उसका क्लोजअप अभी नहीं मार रहा रे कमीना। तो अभी हम लोग, मैं बाहर जाऊंगा और आज का फर्स्ट डे IBW का, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा घूम लेंगे और फिर जाएंगे। Alright. अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं फॉर लंच। इसके पहले हम लोग सुबह सुबह जब मैं उठा था तो हम लोग जाकर आए अंजुना बीच। अंजुना बीच पे ऐसे राउंड मार के आए एंड नाउ वी आर गोइंग अ प्लेस वेयर वी कैन हैव लंच, जो है कलंगुट में। द नेम इज फैट फिश, नॉट वेरी फार। टिल नाउ एवरीथिंग इज फन नाइस। अभी लंच करने के बाद में हम लोग चलेंगे डायरेक्टली, वहाँ से हम लोग चलेंगे IBW। थोड़ा सा लेट हो गया है, वी वर सपोज टू गो देयर बट अपने लो सारे आलसी उठते उठते ये सब करते करते बहुत सारा लेट हो गया है। तो अभी लंच के बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे। इट्स 3:30 राइट नाउ, तो पता नहीं अभी लंच करने के लिए हम लोग कितना टाइम लेने वाले, क्या करने वाले। तो आफ्टर दैट विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द डे वन ऑफ IBW। वो भी समझते यार, बाजू में हो गई वो। So we are entering Fat Fish. तो अभी हम लोग हैं फैट फिश रेस्टोरेंट के अंदर, वेटिंग है बहुत ज्यादा। तो देखो मेरे दोस्तों की शक्ल, अपने बुर्री भाई को कुछ बात करनी है, रुक जाओ। दोस्तों ये हमारे दोस्त है हैरी बॉय। सो यस बेसिकली फाइनली वी रीच टू गोवा एंड वी आर हियर एट गोवा फॉर IBW 2024। इट्स योर बॉय बादशाह। आपने पैडी का इंटरव्यू तो सुना ही होगा, अभी हम जा रहे हैं मयंक मोरे के पास, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा कि उनका मुंबई गोवा कैसा रहा है। हाँ तो करना, तो तू इधर आवाज है, अभी मैं जा रहा हूँ उसके पास, ऐसा ही ये टोन में वो लेगा ही नहीं। अगला इंटरव्यू है हमारा देवेन का, जो कि बजाज डोमिनार पे आए हैं और लड़की जैसे पूरे राइड पे रोते हुए आए, तो आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। सर रोने का रीजन आप ही थे, बिकॉज हमारा राइड जो 8 घंटे में होना था 19 hours, ऑल थैंक्स टू यू। ऑलराइट, थैंक यू। तो फाइनली वी आर ऑन द वे टू IBW डे वन। हम लोग को जाना था दोपहर में 1-2 बजे जब वो शुरू होता है, और हम लोग जा रहे हैं 5:30 बजे। हर जगह पर चेकिंग हो रही है, यहाँ पर हेलमेट्स आर कंपलसरी, तो पूरी IBW वाली वाइब यहाँ पर शुरू हो गई है। वी आर हियर एट IBW। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। वाह वाह वाह,
व्हाट मोटरसाइकिल्स यार, व्हाट मोटरसाइकिल्स। यहाँ पर अभी पूरा दिन पूरी रात यही होने वाला है। टिकट्स कहाँ से लेना है? राइट, सो टिकट्स लेना है यहाँ से। फाइनली एक पार्किंग स्पॉट मिल गई है यहाँ पर। सो फाइनली वी आर गोइंग इनटू द पॉक्स ऑफिस। हम लोग एंटर कर रहे हैं। सो वी हैव एंटर्ड IBW डे 1 फाइनली। There is a dirt race now. There is this IBW Indoor Expo. You can come inside this expo and own whichever motorcycle you want. I'll show you how. Can you guys guess what motorcycle is this? Mahindra Mojo. Check out the disc brakes. यहाँ पर मड रश भी हो रहा है यार, क्या क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। और हम लोग इधर है। This is madness. This is crazy, crazy stuff going on here. यहाँ पर एक आवाज है ना बार बार आ दे रहेगी, वो है अभी हम लोग कहीं और जाएंगे। Z1000 ये अभी बहुत कम हो गई यार, देखने नहीं मिलती। तो आज का दिन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं IBW का। अपना दिन नहीं, अपना दिन अभी थोड़ा और चालू रहेगा। हमारे कुछ दोस्त हैं, सब थोड़ा एंजॉय भी करना है। अभी हम लोग ये दिन उनके लिए भी थोड़ा सा स्पेंड करेंगे और कल हम लोग सुबह वापस से आ जाएंगे। पूरा फेस्टिवल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ओके चलो, तो अभी हम लोग जाएंगे अपने होटल पे पहले। बहुत पसीने हो गए, सारी बाइक्स थी सब हैं चल रहा था, उसकी वजह से पूरा गरम हो गया था माहौल। एक्सपोज जो भी थे अंदर, वहाँ पर एसी था तो वहाँ पर अच्छा लग रहा था, लेकिन जो भी अपनी बाइक्स तो बाहर ही है ना यार, तो वहाँ पर तो बहुत गर्म हो रहा था क्योंकि सारे बाइक्स इतने गर्म हो गए थे और इतनी सारी बाइक्स थी। आप लोगों ने तो देखी होगी,
कौन सी बाइक नहीं थी वहाँ पर यार, सब बाइक्स थी, बहुत मजा आ गया। देयर इज अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर इन इंडिया बाइक वीक। अभी फिलहाल है ना ऐसा लग रहा है कि गोवा है ना सिर्फ बाइकर्स के लिए बना हुआ है, और हमारा होटल वो इतना नज़दीक था वहाँ से, बस अभी आ गए हम लोग हमारे होटल के पास। ओके सो अभी टाइम हो रहा है 10:45 PM, हमारा डिनर का टाइम हो गया है, IBW का डे वन हो गया है ख़त्म। बहुत अमेजिंग था, एक्साइटिंग था, अभी आई एम मोर एक्साइटेड फॉर डे टू। सो राइट नाउ वी आर इन अ रेस्टोरेंट कॉल्ड क्यूब बार जो है आसगांव में। दिस रेस्टोरेंट का खासियत ये है कि ये मोटरसाइकिल बेस्ड थीम पर बना हुआ है। Isn't it amazing? तो चलो फिर अभी हम लोग हमारा डिनर खत्म करते हैं, एंड आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, राइड सेफली रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। टिल देन बाय बाय।